विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के प्रथम पाठ है सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। प्रथम पाठ है सुभाषितानी। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम् मूढ़े पाखाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां पृथ्वी पर त्रीणि तीन रत्नानि रत्न है, वो कौन कौन से हैं? जलम जल, अन्नम अनाज और सुभाषितम वाणी अच्छी वचन। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अनाज और सुंदर वचन। मूढ़े पाषाण खंडेषु, लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है, रत्न संज्ञा विधीयते। लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दे दी जाती है, अर्थात मूर्ख लोग पत्थरों को ही रत्न समझ लेते हैं। अगला श्लोक है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्येन धार्यते पृथ्वी, धरती है वह सत्य से धारण की जाती है, धरती सत्य से ही धारण की जाती है। और सत्येन तपते रवि, रवि अर्थात सूर्य, सूर्य जब चमकता है या तपता है तो सत्य के आधार पर ही तपता है, बिना सत्य के कुछ नहीं है। इसलिए धरती सत्य से धारण की जाती है और सूर्य जो है सत्य से तपता है। और सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य से ही हवा चलती है। देख लो आप सत्य में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, सब काम सत्य से होता है, तो आप समझ सकते हैं कि सत्य कितना शक्तिशाली है। तो हमें भी सत्य का अनुसरण करना चाहिए। अगर हम भी सत्य का अनुसरण करेंगे तो हमें भी शक्ति प्राप्त होगी, लेकिन विश्वास रखना पड़ेगा। थोड़े सा सत्य का पालन किया और आपने सोच लिया मेरे पास शक्ति अर्जित हुई नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। आप निरंतर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो आपको भी शक्तियां प्राप्त होगी। तो सत्य से ही हवा चलती और सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, और आगे कहा गया है कि सब कुछ सत्य पर आधारित है, सब कुछ सत्य पर प्रतिष्ठित है, सब में सत्य के आधार पर ही सब कुछ हासिल होता है। तो हमें लीजिए कि हम सत्य का अनुसरण करें। अगला श्लोक है दाने तपसी सूर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने दान, तपसी तप, शौर्य बल अर्थात शक्ति, विज्ञाने विशेष प्रकार का ज्ञान, विनय विनम्रता और नये नीति, ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे दान है, तप है, बल है, विशेष प्रकार का ज्ञान है, विनम्रता है और नीति है, इनमें व्यक्ति को आश्रय नहीं करना चाहिए। इन सब में आश्रय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि बहुरत्ना वसुंधरा, ये जो हमारी पृथ्वी है वो अनेक रत्नों वाली है। ये तो थोड़े से रत्न गिनाए आपको, दान, तपस्या, विशेष प्रकार का ज्ञान, विनम्रता, नीति, ये तो थोड़े से है। हमारे इस धरती पे, इस भारत माता पर बहुत सारे रत्न हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि इन सब में आश्रय नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहु रत्ना वसुंधरा, हमारी जो धरती है, हमारी जो पृथ्वी है, उसमें अनेक रत्न हैं। अगला श्लोक है सद्भिरेव सहासीत सद्भि पूर्वीत संगीतम
सद्भि विवादं मित्रिं च नासद्भि किंचित् आचरेत्। अर्थात सद्भिरेव सहाशी, व्यक्ति को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब सज्जनों के साथ बैठेगा तो वो ज्ञान प्राप्त करेगा, अच्छी बातें प्राप्त करेगा। और इस हमारा पाठ का शीर्षक भी सुभाषित यानी अच्छे वचन है। तो व्यक्ति को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए और सदभी कुर्वीत संगति, अगर आपको संगति भी करनी है तो सज्जनों के साथ कर लीजिए, क्योंकि संगति का प्रभाव अवश्य जीवन पर पड़ता है। हम जिस प्रकार की संगति करेंगे हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा। धीरे धीरे हम उस व्यक्ति का अनुसरण करने लगते हैं, निरंतर संपर्क में आने पर हम उस व्यक्ति के जो आचरण हैं वो अपनाने लगते हैं। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, सज्जनों के साथ बैठना चाहिए ताकि हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए जिससे हमारे विचार अच्छे हों। और सद्भिर् विवादं मित्रिम्, अगर आपको किसी बात पर विवाद करना है, तर्क करना है, तो फिर किसके साथ करना चाहिए, सज्जनों के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी तर्क शक्ति बढ़ेगी, अच्छे अच्छे विचार बिंदु आपके सामने आएंगे। अगर आप सज्जनों के साथ विद्वानों के साथ विवाद भी करेंगे तो फायदेमंद होगा, लेकिन वो विवाद अगर दुष्टों के साथ कर लिया जाए, असज्जनों के साथ कर लिया जाए, तो निश्चित रूप से हानि प्राप्त होगी। इसलिए सद्भिर् विवादं मित्रिं च, हमेशा विवाद झगड़ा अर्थात तर्क वितर्क जो भी है हमें सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। ना सद्भि किंचित् आचरेत्, असज्जनों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल साफ मना किया है कि असज्जनों के साथ आपको किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसलिए सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, और सज्जनों के साथ विवाद या मित्रता करनी चाहिए, और असज्जनों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब मैं भैयाओं से आग्रह करूंगा कि ये जो सुभाषित के जो चार श्लोक हैं वो संस्कृत में भी आपको याद करने हैं और इसका हिंदी अनुवाद भी आपको याद करना है। साथ में नीचे मैंने नोट डाल दिया है, आपको ये श्लोक कॉपी में भी लिखना है, इसके हिंदी अनुवाद से।